हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ और अभी फ़िलहाल शाम हो चुका है इसलिए वीडियो में क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि शाम हो चुकी है और अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। और अभी मैं एक ट्राई कर रही हूँ बनाने का कैसा बनता है। मैंने यहाँ पे चावल दाल पीस करके रख लिया है और इसमें मैंने जीरा गोलकी और मिर्चा भी पीस लिया था साथ में, और ये मैंने पतला पतला सा लौकी काट करके रखा है। ये देखिए एकदम पतला है ना, एकदम पतला। तो आज मैं नया रेसिपी बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ नया बनाते रहती हूँ, तो चलिए आज भी नया रेसिपी बनाते हैं। बिल्कुल लाइट कम पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइट लगा हुआ है ना, तो इसीलिए। इसको लौकी का बचका भी बोलते हैं, लेकिन वो बेसन में बनाया जाता है जो तल करके बनाते हैं, लेकिन ये मैं चावल का बनाने वाली हूँ। और कौन कौन ये खाया है मुझे बता देना, जो नहीं खाए होंगे वो देख लो कैसे बनता है और वो भी बना सकते हैं जो कभी नहीं खाए हैं। मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है, नॉन स्टिक तवा। इसमें मुझे तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आप कुछ भी बनाओ चिपकेंगे, ये मैंने देख करके लिया था। जैसे शादी में बर्तन तो चढ़ता ही है, तो सारा बर्तन तो चढ़ा और ये तवा मैंने नॉनस्टिक ही बोला था क्योंकि कुछ भी बनाना है तो तेल लगाओ, उसके बाद फिर सारा छिलका या कुछ भी बनाना है तो तेल लगाना पड़ता है। इसमें हम डोसा भी बना सकते हैं, मुझे बहुत मन है कि मैं एक दिन डोसा बनाऊं और खाऊं, तो वो भी मैं एक दिन ट्राई ज़रूर करूँगी। तो चलिए आज का नया रेसिपी। तब तक तवा गर्म हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे एक भी फ़ैन भी नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है और मौसम भी वैसा ही है, बहुत गर्मी किया हुआ है। फिर देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने एक लिया, इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, इसको ऐसे डुबाना है पूरी तरीके से और इसे ऐसे रखना है। मैं यहाँ 3-4 ले रही हूँ, मुझे मोबाइल भी पकड़ना पड़ रहा है ना, और इसमें है कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। चूल्हा भी बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा। चलो ये मैंने बना दिया है, बहुत गंदा हो गया, इसको मैं ढक दे रही हूँ। अब मैं इसको पलट दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, और फिर इसको मैं चटनी के साथ खाऊंगी। धनिया और टमाटर का चटनी। अभी इतना है, इतना लौकी मैंने काट दिया है। ये एक्चुअली में गोला नहीं बनता है क्योंकि
इसे रखना पड़ता है ना, तो ये गोला सेप बनेगा ही नहीं। अब इसे मैं मीडियम आंच कर देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। क्या हो रहा है, हल्का और होगा तब पलट देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ स्मूथ होने के लिए। अब इधर से भी थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद फिर इसको निकाल दूंगी। उसके बाद फिर मैं धनिया टमाटर का चटनी बना दूंगी टमाटर पका करके और मिक्सी में पीस दूंगी। मेरा आज का भोजन। लौकी को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। मैं इसको थोड़ा पकने देती हूँ धीरे धीरे। मीडियम आंच पे। एक ये मैंने पहले से बना करके रखा है, ये है। तब तक मैं इसको कुछ बना करके रख दे रही हूँ। लौकी पक चुका है क्योंकि मैंने इसको काट करके देख लिया। देखिए ये कट जा रहा है, मतलब ये हो गया है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। ये वाला मुझे अभी तक का सबसे सुंदर लगा जो मैं बना रही हूँ। ये सुंदर लग रहा है मुझे देखने में। मैं इसको पलटती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ये हुआ कि नहीं। काट करके हो गया लगभग, थोड़ा सा और धोने देखती हूँ इसको पलट करके। ये है धनिया टमाटर, मैंने पकाया है नमक मिर्चा लहसुन का चटनी और उसके साथ भी हम लोग खाएंगे रात का खाना। ये चटनी मैंने पीस दिया, बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप लोग भी बना करके देखना, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें एंड सब्सक्राइब प्लीज़।